हमेशा अपने बयानों से अपनी ही सरकार को घेरने वाले और मुसीबत में डालने वाले, साथ ही सुर्खियां बटोरने वाले सतना के मेहर विधानसभा से भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी एक बार फिर सुर्खियों में। नमस्कार, मैं गरिमा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दलोक नीति। दरअसल हाल ही में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा 1 जून 2005 के पहले की पेंशन व्यवस्था को लागू करने के फैसले के बाद अब मध्य प्रदेश में भी इसकी बहाली की मांग उठने लगी है, जिसको लेकर अब भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर इसे लागू करने की मांग की है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने पत्र में लिखा कि माननीय आप मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, आप सभी वर्गों के हित संरक्षण हेतु सतत प्रयासरत भी रहते हैं। प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग की जा रही है। नई पेंशन योजना में इस कर्मचारियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा नहीं है। पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने से जहां इनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी, वहीं सेवानिवृत्ति के बाद बिना किसी आर्थिक संकट के जीवन निर्वाह भी हो सकेगा। विधायक ने आगे लिखा कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पुराने पेंशन योजना की बहाली की घोषणा से प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा भी यह मांग जोर पकड़ रही है। हमारी सरकार को भी इन कर्मचारियों के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए पुराने पेंशन बहाली हेतु सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। बता दें कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर मांग उठाई जा रही है। 2,86,000 शिक्षक, 1,50,000 संविदा कर्मी और 48,000 स्थायी कर्मी कई बार अंशदायी पेंशन की जगह पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर चुके हैं। अंशदायी पेंशन में 10% कर्मचारियों की सैलरी से काटा जाता है और 14% सरकार मिलाती है, और फिर कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने पर 50% भुगतान एकमुश्त और शेष राशि 3,000-4,000 पेंशन के रूप में दी जाती है। यही कारण है कि कर्मचारी द्वारा पुराने पेंशन व्यवस्था लागू करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि इस राशि में इजाफा हो सके। बहरहाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पुराने पेंशन बहाल किए जाने के बाद देश भर की सियासत गर्मा चुकी है। आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में भी इस मांग ने जोर पकड़ लिया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल खबरों में इतना ही, देखते रहिए दलोक नीति।